अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और ये जो वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है। इससे पहली वाली वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस कवर किए थे जनरल नॉलेज की। इस वीडियो में हम स्पेशली एशियन गेम्स में जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसके क्या आंसर्स हैं वो आपको हम बताएंगे। ये क्वेश्चंस 10-10 क्वेश्चंस का सीरीज़ हमने इसीलिए जारी किया है वीडियोस की हेल्प से, ताकि आप सबका जनरल नॉलेज का जो सब्जेक्ट है उसमें आप स्कोर अच्छा कर पाएँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है स्लाइड्स में, ताकि आप सबका अच्छा नॉलेज गेन हो। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन वो है, इन विच सिटी हैव द एशियन गेम्स बीन हेल्ड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे एशियन गेम्स सबसे ज़्यादा बार ऑर्गेनाइज किया गया है? सबसे पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है टोक्यो, थर्ड ऑप्शन है बैंकॉक और फोर्थ ऑप्शन है सियोल। और इसका करेक्ट आंसर है सी, बैंकॉक। बैंकॉक में सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वेयर द एशियन गेम्स हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से साल में एशियन गेम्स सबसे पहली बार कंडक्ट कराया गया था? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है 1936, देन 1982, देन 1951, देन लास्ट ऑप्शन 1948। और इसका आंसर है सी, 1951। 1951 में ही एशियन गेम सबसे पहले बार ऑर्गेनाइज कराया गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री है, हाउ मेनी टाइम्स हैव द एशियन गेम्स बीन हेल्ड इन साउथ कोरिया। कितने बार साउथ कोरिया में एशियन गेम्स को कंडक्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था? सबसे पहला ऑप्शन है दो, फिर है एक, फिर है चार और लास्ट है तीन। और इसका करेक्ट आंसर है डी, थ्री। तीन बार एशियन गेम्स को कंडक्ट कराया गया था साउथ कोरिया में। क्वेश्चन नंबर फोर है, वेयर वेर द 2018 एशियन गेम्स हेल्ड। 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सबसे पहला ऑप्शन है मनीला, ऑप्शन नंबर बी है दोहा, ऑप्शन नंबर थ्री है बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी है जकार्ता। और इसका सही आंसर है डी, जकार्ता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द बॉडी विच ऑर्गेनाइजेज द एशियन गेम्स लोकेटेड। हेडक्वार्टर्स ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ये कहाँ पे है? ये वही बॉडी है जो एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज कराती है। तो ये इसका लोकेशन कहाँ है? ऑप्शन है बीजिंग, न्यू दिल्ली, टोक्यो या कुवैत सिटी। और इसका आंसर है डी, कुवैत सिटी। कुवैत सिटी में ये हेडक्वार्टर्स है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जहाँ जो ये वो बॉडी है जो एशियन गेम्स को कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में, वो भी फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है करणा मलेश्वरी, ऑप्शन सी है कमलजीत संधू या फिर ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। और इसका सही आंसर है सी, कमलजीत संधू। ये पहली वुमेन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस हॉकी एट द एशियन गेम्स। इंडिया कितनी बार गोल्ड मेडल जीता है मेंस हॉकी में, वो भी एशियन गेम्स में? सबसे पहला ऑप्शन है टू, दूसरा ऑप्शन है थ्री, ऑप्शन सी है फोर या ऑप्शन डी है फाइव। और इसका सही आंसर है और करेक्ट आंसर है बी, थ्री। तीन बार हमारा इंडियन मेंस हॉकी टीम गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। एट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडिया। आज तक का हाईएस्ट रैंक रहा कितना है इंडिया का मेडल शैली में एशियन गेम्स में, जब से शुरू हुआ है एशियन गेम्स 1951 से? तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है सेकंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। हाईएस्ट रैंक इंडिया का एशियन गेम्स में कितना रहा है अकॉर्डिंग टू मेडल्स? तो इसका आंसर है बी, सेकंड। सेकंड पोजीशन तक ही हाईएस्ट जा चुका है इंडिया मेडल टैली में, जब से एशियन गेम्स शुरू हुआ है 1951 से। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंडियन एथलीट होल्ड्स द एशियन गेम्स रिकॉर्ड फॉर 1500 मीटर रेस दैट शी एस्टैब्लिश्ड इन 2002। ऐसी कौन सी इंडियन है जिन्होंने एशियन गेम्स में अपना रिकॉर्ड बनाया है 1500 मीटर रेस में, और ये रिकॉर्ड जो बना था वो 2002 में हुआ था एशियन गेम्स में? पहला ऑप्शन है पीटी उषा, ऑप्शन बी है
टिंटू लुका, ऑप्शन सी है सुनीता रानी, या ऑप्शन डी है शाइनी अब्राहम। मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पीटी उषा का नाम बहुत फेमिलियर है रेस और एथलेटिक्स में, तो वो इसी ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसका आंसर सी है सुनीता रानी। याद रखिएगा, ये उनका अचीवमेंट के साथ उनको दिया गया है ये क्वेश्चन में। 2002 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें इंडियन एथलीट का 1500 रेस में रिकॉर्ड था, तो वो होगा सी सुनीता रानी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड एट द 2018 एशियन गेम्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड से हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक गेम्स में कितने कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2018 एशियन गेम्स का स्पेसिफिकली उसी एशियन गेम्स का डेटा पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए 45, बी 51, सी 42 या डी 37। और इसका करेक्ट आंसर है ए 45 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे 2018 एशियन गेम्स में। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आपका जीके इन वीडियोस से ही इम्प्रूव हो। आपको कोई पेड कोर्सेज या पेड बैचेस लेने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि स्पोर्ट्स जीके एक ऐसा फील्ड है जिसमें सभी बच्चे पीछे छूटते रह जाते हैं, क्योंकि जीके जो है वो डेली अपडेट होता रहता है। तो आप पुराने डेटा और नए डेटा हम मिक्स करके आप सभी के लिए वीडियो लाएंगे ताकि आप अपडेटेड रहें और जितने भी कम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं आप उसमें अच्छा करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है 10 क्वेश्चन सीरीज़ का, वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। और वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।